तो आज हम बनाने वाले हैं ना मेथी मलाई पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसमें जो मेथी पड़ा रहता है ना उसका बिल्कुल भी बिटरनेस नहीं आता है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इजिली घर पे बनके तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक बंच मेथी लिया है, तो बस इसे हम बारीक काट लेंगे और अच्छे से धो लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके में थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए हमारा 15 मिनट हो गया है और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से धो करके इसे छान लेंगे। फिर ये देखिए हमारा सारा पानी जो है ना वो बाहर आ गया है। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, मेथी को भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत ही थोड़ा सा डालना है, और इसमें ये मेथी लीव्स को डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे बस मीडियम फ्लेम पे, और बस इसे हम बाहर निकालेंगे। और फिर सेम पैन में ही हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और करीब 2 छोटे तेज पत्ते डालें और साथ में डालेंगे ये लाल मिर्ची। फिर इसका थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब डालेंगे इसमें प्याज, 2 प्याज लिए थे जिसे हमने बारीक काट लिया था। बस इसे डालने के बाद से हमें 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये हमारा ये प्याज जो है ना बिल्कुल ट्रांसल्यूजेंट सा हो गया है। तो अब जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ी देर के लिए इसे फिर से हम भून लेंगे और अब डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और साथ में जाएगा गरम मसाला। अब यहाँ हम फिर से मसालों के साथ 15 से 20 सेकेंड ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, एक टमाटर लेंगे और उस टमाटर को चॉपर में चला लेंगे। और अब इस टमाटर को आप पीस भी सकते हो, पर यहाँ मैंने चॉपर चलाया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो इसमें। तो बस इसे डालकर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारा ये तेल ना छोड़ दें। या देखिए हमारा मसाले में से तेल थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है। तो बस अब इसे थोड़ा सा फिर से चला करके इसमें हम मेथी डाल देंगे, जो मेथी हमने भुनी थी ना बस उसी मेथी को इसमें डालना है। फिर से हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर लेंगे कि मेथी भी साथ में पक जाए मसालों के साथ। तो अब डालेंगे इसमें हम मलाई, करीब मैंने 1/2 कप मलाई डाला है और थोड़ा सा चीनी डालेंगे। फिर इसके साथ थोड़ी देर के लिए हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए मलाई के साथ। अब डालेंगे, हमने 250 ग्राम पनीर लिया था जिसको क्यूब्स में काट लिए थे, बस उसे डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, आप चाहो तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं यहाँ मैंने पानी ही डाला है। बस इसमें पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए इसे गरम मसाला डाल के कवर करके रख देंगे। गरम मसाला ऊपर से डालने से ना खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ये मेथी मलाई पनीर बनके तैयार हो गई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।